समाजवादी, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, बाबा साहेब, विश्व पूजन, विश्व रत्न, जय भीम, स्वाभिमान, स्वतंत्र, समता और बंधुता, नेशनल लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, भीमराव, महामानव, बाबा साहेब। एक्चुअली अंबेडकर ने इस भारत का संविधान लिखा है, पहली बात ये है। और एक अंबेडकर ऐसे महापुरुष है, उनकी पूरे वर्ल्ड में 125वीं जयंती सेलिब्रेट किया गई है। बाबा साहेब एक ऐसे पुरुष थे जिनका नाम लेते सभी के मन में एक आदर्श निर्माण होता है। इसके बारे में कुछ इतना नहीं मालूम, सब जनता उसका ये है, जानते सब। हाँ, पूरे देश भर में और ऑल ओवर वर्ल्ड में बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा, संविधान के बाद में जो बाबा साहेब के अनुयायी के हिसाब से जो बाबा साहेब ने कार्य किए हैं पूरे भारत देश में या भारत के बाहर भी, कुछ कामों के लिए जाने जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में नंबर वन उनका नाम आता है। ये देश को आज़ादी मिली थी, मगर सही मायने से इंसान को आज़ादी नहीं मिली थी। मानवता को आज़ादी मिलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़े। सब जातियों में बाबा साहब, हर जात में बाबा साहब का नाम ऊंचा है। अंबेडकर जी स्वाभिमान के लिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उन्होंने बनाया हुआ है उसके लिए माने जाते हैं। बाबा साहब ने जो भारत का जो संविधान बनाया है, आज पूरा देश में, पूरा दुनिया में वो जो अपना संविधान है उसका अध्ययन हो रहा है, उसका स्टडी हो रहा है। ही इज द बेसिक, ही रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। इंडिया में भी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बोलते हैं वो उन्हीं के वजह से हुआ है। जो हमारा समाज है, हमारा समाज ही नहीं सबका समाज, सबके लिए वो बहुत अच्छा किया है उसने। उन्होंने पूरे भारत का संविधान लिखा है और जो गरीब जनता है हमारे देश की, उनके लिए हमको उनके वास्ते आज ये अच्छा दिन देखने के लिए मिला है। संविधान के अलावा तो बहुत उनका नाम है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े संग्राम किए हैं, बोले तो अन्याय विरुद्ध लड़ा देना। और ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जो गिरे वाला था उनको ऊपर लाया है। सब एक ही समाज को नहीं, दलित समाज को नहीं, तो पूरे भारत देश के जितने बहुजन समाज हैं और सब लोगों को लेके चले। उन्होंने सब स्त्री जो लोग हैं उनके लिए पहले ही ज़्यादा करके किया है, दलित लोगों के लिए। वो एक अच्छे शिक्षण लेने वाले आदमी कहते हैं। उन्होंने सभी आदमियों को समान दर्जा दिया था, जाति भेद ऐसा कोई प्रत्येक मंजे जाति भेद ऐसा नहीं करने के लिए सभी लोगों को बताया। भारत के संविधानों के अलावा बाबा साहेब ने जो गरीब जनता है, जो बहुजन समाज है और जो कुछ भी दलित लोग है उनके लिए उन्होंने बहुत सारी उपलब्धि प्राप्त करके उन्होंने जो गरीब लोगों को जो दी है उनके कार्य के लिए जाने जाते हैं। बहुत कुछ किया है बाबा साहब ने, कुछ बचा ही नहीं, इंडिया को काम ही कुछ दिया नहीं। इंडिया के हर नेता को कोई काम ही नहीं दिया। खाली बाबा साहब ने जो लिखा है वो फॉलो अप करेगा ना तो मेक इन इंडिया से एकदम ग्रेट इंडिया हो जाएगा। कॉमन पीपल डजंट नो अबाउट दैट, व्हाट वी से दैट द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर देयर हु आर वर्किंग इन द ऑफिसेस राइट नाउ and they are thinking that we are because of the education we have come over here. But one thing is that if Baba Sahib was not there and if Baba Sahib had not demanded in the Hindu code bill that there should be a reservation for 50% for a woman over here, then women cannot get a job in the corporate sector. Lekin ye pura Bharat desh banane mein Baba Sahib ka jo yogdan hai wo mujhe nahi lagta hai ki wo aur kisi ka hoga. Jo hum log khade pure peoples SC ST community for their religions तो उसके लिए जाने जाते हैं अलग से। बहुत कुछ ऐसा हिस्ट्री में एक्चुअली उनके बारे में हो चुका है कि मतलब बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर पढ़ने चाहे तो शायद पूरा दिन भी कम हो जाए उनके लिए। ही इज़ अ लेजेंडरी एक्चुअली, ही इज़ अ वेरी वेरी बिग पर्सनालिटी वी हैव।